अफगानिस्तान के गुरद्वारा साहब करतेपुरवान नेड़े फिर धमाका होया है। यह धमाका सिख हकीम की दुकान से होया है। अफगानिस्तान में रहते सिखा बार बार धमकियां मिल रही हैं। इस विषय से गलबात दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर पद्म श्री विक्रमजीत सिंह सानी का कहना है कि बड़ी दुख की गल है कि भारत सरकार को जल्द अफगानी सिखा ई वीजा जारी करना चाहिए है। उन्होंने कहना है कि उन्होंने वालों चलाई जा रही वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन वालों लगभग 160 अफगानी सिखा के परिवारों को सुरक्षित भारत लिया गया है। कि करतेपुरवान गुरद्वारा के बिल्कुल नाल ही जिथे साडे सिख भरा दियां दुकानां ने उत्थे एक बंब धमाका होया थोड़ी देर पहला। हालांकि हजे कल ही जिहड़े तालिबान दे मिनिस्टर सन उन्होंने जिहड़े उत्थों दे सिख रह गए ने, क्योंकि हुण अबाउट 135-140 सिख इन परसन उत्थे हैगे ने पंजाब फैमिलियां, उन्होंने यकीन दिलवाया उन्हां दी सुरक्षा बारे, और नाले जिहड़े भारत आ चुके हैं रिफ्यूजी उन्होंने भी कहा भी तुसी वापस आओ, तुहाडी सुरक्षा की जिम्मेवारी साडी है। उन्होंने कहन के बावजूद ही हजे एक दिन भी नहीं होया तो ये भाणा अज वापर गया। मैं अपील करदा देश के प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी नूं, अमित शाह जी नूं, कि भी ये कुछ तो ई वीज़ा पेंडिंग ने इन्हां चों 140 चों, उन्होंने ई वीज़े जल्दी दिते जाण। और उत्थे नाल ही मैं अपने भरावां भैणां नूं भी बेनती करदा, साडे परमजीत सिंह बेदी जी, प्रताप सिंह जी, छबोल सिंह जी, जिन्हां नाल मिल के असी उन्हां दा रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रखिया दिल्ली महावीर नगर, माई फैमिली माई रिस्पोंसिबिलिटी, जिथे असी उन्हां दे मकान दा महीने दा किराया, बच्चों की पढ़ाई, होर सहूलतां, स्किलिंग, मेडिकल इंश्योरेंस वो करा रहे हैं। असी कमिटमेंट की है कि जिहड़े 140-135 जिहड़े साडे परिवार उत्थे रह गए ने इन्हां दा भी असी रीहैबिलिटेट करांगे। मैं उन्हां नूं अपील करांगा कि हालात ठीक नहीं हैगे और कुछ दिन वापरदे ने, कुछ दिनों दे विच ही कुछ ना कुछ बंब धमाका हो जाता है, तो उन्होंने जल्दी ही आ जाना चाहिए। असी उन्होंने एवैकुएट करने लिए भी तैयार हाँ। असी पिछले साल 2020 भी 3 फ्लाइटा भेजिया सी, असी उन्हां दा हर तरीके दे नाल असी वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन वालों, सन फाउंडेशन वालों, असी उन्हां नूं लिआउण नूं तैयार हाँ, असी उन्हां नूं रीहैबिलिटेट करन नूं तैयार हाँ। पर उन्हां नूं भी हुण हिम्मत करनी चाहीदी है, और मैं समझदा उन्हां दा भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हां दा उत्थे रुजगार है। उन्हां दी जिवें अज कैमिस्ट शॉप ते होया, उन्हां दा भी अपने कारोबार ने, वो छड के इत्थे एज रिफ्यूजी आना वो भी मुश्किल है। पर हुण की करिए, जान है ते जहान है, ते ये बहुत ही दुखदाई घटना अज वापरी। सर, तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन वालों हर बार उपराला किया जाता है कि उन्हां दी बांह फड़ी जाए, उन्हां दे वास्ते सारे काम किए जाण, चाहे इंडिया आके उन्हां दी देख रहे हुए, पर तुहानूं नहीं लगता सर सरकार जिहड़ी है उहदी कारगुजारी थोड़ी ढिल्ली चल रही इस मामले में? नहीं, सरकार दा मतलब ये कि सरकार तो ई वीज़ा ही दे सकती है, पर वो ई वीज़ा तो मैं अपील करदा कि ई वीज़ा जल्दी दिते जाण, पर उन दोनों पासों है ना जी, उन्हां नूं भी आना पएगा, उन्हां नूं भी मन बनाना पएगा, क्योंकि अपना काम कार छड्डना औखा नहीं हैगा, सौखा नहीं हैगा, उन्हां नूं भी ये हिम्मत करनी पएगी। पर ओवरऑल बड़ी दुखदाई घट। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।